नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवा में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज आपके लिए लेकर आया हूं सेकावटी के इतिहास की एक और नई कड़ी। पिछली कड़ी में अपन ने खंडेला के इतिहास के काल क्रमानुसार अपन ने पढ़ा कि रायसल जी के जो बोझराज जी थे, बड़े दानी व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने पिता की अनुपस्थिति के अंदर खंडेला राज प्रशासन की जो राज व्यवस्था है उसको कायम रखा। इसी दरमियान भोजराज जी के प्रबंधों के अकॉर्डिंग उन्होंने गौशालाओं के अंदर पहले से एकत्रित किए हुए चारे को बाहर के राज्यों से बुला करके खंडेला के अंदर वितरित किया और गायों की सुरक्षा और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाई। जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करी, उनके लिए भोजनालय खुलवाए जिनके अंदर निःशुल्क खाना मिलता था। ऐसा काम भोजराज जी अपने राज्य में कर रहे थे। इसी के दौरान अपन अध्ययन करते हैं राजा रायसल, जिनको दरबारी का पद मिला हुआ था, उनकी उपाधि मिली हुई थी दरबारी की। उनके कुल 12 संतानें हुई, 12 में से 5 निसंतान रहे और 7 का वंश आगे बढ़ा, जिसमें सबसे बड़े लाडखानी थे। उनका नाम लाडो सिंह जी था, लेकिन बादशाह उन्हें लाड खान कहकर प्यार से लाड खान कहता था, इसलिए उनका नाम लाड खानी पड़ गया। एक तेज सिंह जी थे, या ताज सिंह जी भी नाम मिलता है उनका इतिहास में, उनको ताज खान कहकर पुकारते थे, ताज खानी शेखावत कहलाए। उसके बाद गिरधर जी के शेखावत सबसे छोटे थे और उनके बड़े भाई तिरमल जी थे, तिरमल जी राव जी के शेखावत के नाम से विख्यात है। और गिरधर जी जो थे सबसे छोटे थे, लेकिन काफ़ी अनुभवी और सहनशील आदमी थे। इसके बाद में हरिराम जी और परशुराम जी भी का भी वंशज आगे बढ़े और ऐसे करके रायसल जी के 7 वंशजों ने आगे वंश बढ़ाया, जिसमें अपने पितामह राजा रायसल के बाद उनको लाडखानी जी को जाड़ोद से घाटवा से लामिया तक की पट्टी मिली और रावत जी को नागौर का असली पट्टा, गिरधर जी को खंडेला का राजा बनाया गया और भोजराज जी को उदयपुर का परगना मिला। हरिराम जी और परशुराम जी को भी अपने इसी साम्राज्य के अंदर 15-15 गांवों की जागीर मिली, जिसमें हरिराम जी को मुंडरू गांव के साथ 12 गांवों की जागीर मिली और परशुराम जी को जाड़ोद पट्टी के 12 गांव मिले, बाय का ठिकाना। ऐसे करके खंडेला दरबार का अगला राजा जो बने वो गिरधर जी बने। सबसे छोटे होने के बावजूद उनकी कुशाग्र बुद्धि ने उनको राजा बनाया। इसका एक कारण यह भी मिलता है इतिहास में, बताया जाता है कि सबसे बड़े लाडखानी जी थे जो राजा बनने योग्य थे, लेकिन उन्होंने युवावस्था में पहुंचते ही अपने जी हुजूरी सेवकों और अपने साथियों के साथ उनको भांग अफीम गांजा चरस आदि की लत लग गई थी और वो नशे में रहते थे। बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति थे, खंडेला की भइयों से पता चलता है कि उनके जितना बड़ा धैर्यवान कोई नहीं है। जब उनके पुत्र की चाचा भोजराज के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जैसा आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, उसके बाद भी वो इतना धैर्य बना के रखते हैं कि अपने पुत्रों को शांत करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके भाई की मृत्यु उनके पितामह की आज्ञा की पालना नहीं करने के कारण हुई है, इसमें गलती कल्याणमल की थी। और अपने बाकी बेटों के विद्रोह को उन्होंने दबा दिया वहीं की वहीं, इससे ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति कौन होगा। खंडेला राज प्रशासन में उनका नाम आज भी धैर्यशील राजकुंवर के रूप में लिया जाता है। इतना धैर्य हर किसी में नहीं मिलता। इसके बाद उनको उनके समकालीन संत दादू दयाल की भक्ति में बड़ी रुचि थी और वो दादू दयाल के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कभी जाड़ोद, कभी खंडेला, कभी लामिया, अलग अलग जगह अपना रह करके जीवन गुजार रहे थे और ईश्वर भक्ति में खुद को लगा लिया था। और बताया जाता है कि लोहागढ़ के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे दिन गुजारे, जहाँ उन्होंने प्रतिहारकालीन वराह मंदिर के जीर्णोद्वार करवाया और गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे थे लाडखानी जी। जो गोपीनाथ जी का मंदिर लोहागढ़ के अंदर है, बताया जाता है कि उनके पिता राजा रायसल द्वारा बनवाया गया था।
और रायसल जी द्वारा ये भी एक मिलता है कि उन्होंने जो मंदिर बनवाए उनके अंदर सेवली गांव था उसकी जागीर को उन्होंने मंदिर के हित में दान दे दी थी। ऐसे थे अपने लाडखानी जी। अगले किस्से में हम बात करेंगे राजा रायसल के दूसरे पुत्र राव तिरमल जी की, जिनसे एक पूरी की पूरी राव जी का सिखावतों की शाखा निकली, उसके बारे में बात करेंगे। और आज अपन लाडखानी सेखावतों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके मुख्य गांव, आज भी बहुत सारे गांवों में लाडखानी सेखावत सैकुशल विराजमान हैं, जिनके अंदर कुछ गांवों जैसे सुद्रासन, ठाकुरवास, एटलीस्ट सभी गांवों के अंदर लगभग ये लाडखानी के सेखावत विद्यमान हैं। अगले किस्से में हम बात करेंगे रावत जी के सेखावतों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।